ये है भाई कृष्ण जी का रथ, और ये है अपने भारत का संविधान, ये फ्लावर्स, MIG 21, जलियांवाला बाग का स्टैचू बना रखे हैं लोगों को, कैसे गोली मारी थी। राम राम दोस्तों, क्या हाल है भाई सबके। भाई स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो भाई आज जा रहे हैं हम बहुत खतरनाक जगह घूमने। पिछले 2-3 साल से मैं वेट कर रहा था, राष्ट्रपति भवन है जो उसके अंदर एक गार्डन बनाया हुआ, मुगल गार्डन बोलते हैं उसको, और अमृत उद्यान भी बोल सकते हो। बाकी भाई कई सालों से वेट कर रहा हूँ कि इस फरवरी के 15-20 दिन में ही खुलता है वो। तो हर बार इस टाइम कुछ काम हो जाता है या फिर XYZ रीज़न वो स्किप हो जाता है, कई साल से स्किप हो रहा है। तो अब की बार हमने कर कुर के प्लान बनाया है और अब घूमने का, कि अब की बार तो भाई जाके ही आएंगे। तो भाई फाइनली आज संडे है तो आज की टिकट मिल गई हमें, तो भाई घूम के आते हैं आज अमृत उद्यान में। चलो मिलते हैं आपसे गाड़ी में। भाई आ गए हैं गाड़ी में। तो भाई बात ऐसी, फरवरी में ही गाड़ी ऐसे जल रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज हो गई है। बाकी फरवरी में ये हाल है तो अब की बार मेरे को लग रहा है गर्मी ज़्यादा होने वाली है। बाकी अभी AC चलाना पड़ रहा है अभी फरवरी में ही। चलो ठीक है, आपको रास्ते में व्यू दिखाता रहूँगा। ये देखो दोस्तों, बस अभी निकले ही थे घर से, तो अपनी फेवरेट कार जीप रैंगलर लाल कलर में, और ये देखो साथ में दो दो चल रही है, दोनों साथ में चल रही है वाइट कलर में भी। भाई क्या ख़तरनाक गाड़ी लगती है। इस गाड़ी में थोड़े से चौड़े टायर डलवा दो, ज़्यादा नहीं, थोड़े से इससे एक दो साइज़ बड़ा, मतलब तो इस गाड़ी की लुक करो तबाही है, इसके टक्करी कोई गाड़ी नहीं है। एक तो यार ये दिल्ली में कभी भी आ जाओ, ये ट्रैफिक की समस्या दूर नहीं होगी। अब सुबह सुबह 10 बजे, वो भी संडे के, और ये देखो ट्रैफिक कितना हो रखा है, भरा पड़ा है रोड पे। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ रहे हैं संडे को भी शांति नहीं है लोगों को। देखो यार दिख रही है आगे गाड़ियाँ, पूरा फ्लाईओवर कैसे फुल है। ये टोल से ही शुरू हो जाता है जैसे दिल्ली में घुसते हैं ना, गाड़ी 40-50 से ऊपर चल ही नहीं पाती है। ये देखो भाई एक साइड तो बिल्कुल ट्रैफिक रुक गया सर्विस लेन में। और ये ट्रैफिक यहाँ भी कम नहीं है, लेकिन ये हम चल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही रुक गए हैं। ये देखो भाई एरिया ये है, जैसे हम धोलाकुआ क्रॉस करते हैं वहाँ पे लाइन में, ये है होटल ITC मौर्या, और इसके बराबर में ही ताज होटल है, दोनों बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और ये एरिया देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा, शांति, गाड़ी बिल्कुल प्यार से चल रही है, मज़ा आ रहा है, हरियाली लगी हुई है अच्छे से। ये एक्चुअली इसके बराबर में ही वो मिनिस्ट्री वाला एरिया है, तो इस एरिया को साफ सुथरा रखा जाता है इसलिए। और ये देखो जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था तो उसका स्टैचू बनाया हुआ है स्टी पॉइंट पर, तो सबसे आगे गांधी जी, उस पीछे उनकी पूरी फौज चल रही है। तो भाई देखो यार एरिया क्या मस्त है। बाकी इस एरिया में बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है, कैमरे वगैरह लगे हुए पूरे में। यार ये बिल्डिंग कुछ राष्ट्रपति भवन जैसी मिलती जुलती नहीं लग रही है, भवन जैसी नहीं, राष्ट्रपति भवन ही है। ये कोई एक गेट है अमृत उद्यान के लिए, राइट पार्किंग बता रहे हैं। पार्किंग मिल गई है भाई साहब, पार्किंग का बहुत तंगा है यहाँ पे, इतनी देर 2 चक्कर लगाए मैंने पूरे पार्किंग के, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे भीड़ लगी हुई है पार्किंग में। देखो यार गाड़ियाँ ऐसे रोड पे खड़ी है तो पार्किंग की जगह मिल ही नहीं रही है। देखो यार अच्छी खासी भीड़ है, भाई देखो 2 बार चेकिंग हो चुकी है और एक बार और होगी आगे अभी। फिर से
एंट्री अमृत उद्यान में और मुगल गार्डन। भीड़ अच्छी खासी हो रखी है आज। ये सबसे पहले भाई रूट मैप है पूरा, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस। तो भाई यहाँ से शुरू हो जाता है अपना मुगल गार्डन और भाई भीड़ इतनी अच्छी खासी भीड़ है। देखो यार गर्मी बहुत ज़्यादा है हमें लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी खासी भीड़ है और गर्मी में इतने लोग आए हुए हैं। तो ये भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना पहला जो फूल है, ये सारे मैक्सिमम ट्यूलिप ही लगे हुए हैं और ये भाई हम लहराते हुए यहाँ पे। तो भाई ये देखो ये ट्यूलिप ही है, ये बहुत तरह के ट्यूलिप लगा रखे हैं इन्होंने। और ट्यूलिप जो फ्लावर है वो बहुत रेयर फ्लावर होता है, वो ऐसे गार्डनिंग शायद पॉसिबल होती भी नहीं है इसकी। यहाँ पे स्पेशल राष्ट्रपति भवन में विजिट करने के लिए लगाए जाते हैं फ्लावर्स, और डेकोरेशन पूरी डेकोरेशन करके रखते हैं यहाँ पे। देखो कितने अच्छे से जैसे खेती करते हैं ना, पूरे वेल मेंटेन्ड बोल सकते हैं इनको। प्रॉपर चलने की जगह, प्रॉपर गार्डनिंग, प्रॉपर मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से सर। यार फूलों को देख के मज़ा आ रहा था। देखो अब ये दूसरी तरह के ट्यूलिप है, ये देखो बटरफ्लाई बना रखा है, उसको डेकोरेट कर रखा है। ये देखो ये वाले यार सच में मेरे को बहुत सही लगे ये वाले तो। और ये देखो यार यहाँ इन्होंने पेड़ भी है ना, बिल्कुल एक एक पेड़ बिल्कुल लाइन में लगा रखा है ना, इधर ना उधर, बिल्कुल सेम डिस्टेंस में, सेम लाइन में। और ये देखो ये येलो ट्यूलिप और आ गए हैं, मतलब बहुत तरह की है, पूरी प्रॉपर फार्मिंग बोल सकते, गार्डनिंग नहीं है ये। और ये है हमारा भाई गार्डन, जो छोटे पौधों का गार्डन बोलते, क्या बोलते, बोनसाई गार्डन। हाँ तो भाई यहाँ पे बोनसाई मतलब एक तरह के पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जो पेड़ जैसे दिखते हैं, दिखने में पेड़ जैसे होते हैं बिल्कुल। तो देखो भाई यहाँ पे मतलब हज़ारों तरह की बोनसाई रखे हुए थे और अच्छे लग रहे थे रखे हुए यहाँ पे। लोग यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट करा रहे हैं। और भाई नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी भाई ये, और जो नेक्स्ट चीज़ है ये देखो भाई, इसको म्यूज़िकल गार्डन बोलते हैं। और ये पीछे बीट बहुत चल रही है, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, तो म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ये पूरा चेंजेस हो रहे हैं। देखो पीछे उधर तीन चार तरह के ये वाटरफॉल्स टाइप में है। तो भाई यहाँ पे फूल्स लगे हुए हैं, जो कितने फूल हैं एक से एक अच्छे। और देखो यहाँ पे ये पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, और म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ये कोई कहीं कम निकल रहा है, कहीं ज़्यादा निकल रहा है। और ये देखो दोस्तों राष्ट्रपति भवन, तो ये भाई राष्ट्रपति भवन का मेन गार्डन है। और तो अभी इस 15 दिन को छोड़ के सुबह शाम यहाँ पे राष्ट्रपति जी वॉक भी करते हैं, वो ये भी बोल सकते हैं। तो देखो यार व्यू क्या, मतलब हर चीज़ मेंटेन्ड व्यू, देखो क्या ख़तरनाक है यार सच में। गर्मी ख़तरनाक थी लेकिन फिर भी मतलब व्यू देख के ना मज़ा आ रहा था, अपना इंजॉय कर रहे थे हर चीज़ को। देखो हर चीज़ वेल पेंटेड, कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं मिलेगी, गंदगी नहीं मिलेगी कहीं पे। और भीड़ देखो यार क्योंकि चलने की जगह भी नहीं थी इतनी, देखो भीड़ इतनी है। और एक चीज़ देखो आप पेड़ देख रहे हो, आपको पेड़ों की शेप भी प्रॉपर कटी हुई है। देखो सारे पेड़ प्रॉपर शेप में कटे हुए हैं, कोई भी पत्ता इधर उधर नहीं है। और ये बीच में एक छोटा सा मतलब बोल सकते हैं नदी या झरना टाइप में छोटा सा बिल्कुल बीच में से निकाल रखा है, ताकि वेंटिलेशन होती रहे या थोड़ा ठंडक मिलती रहे पौधों को। बाकी अच्छा भी लग रहा है ऐसे। और ये किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मे बी कोई ओकेज़न होगा यहाँ पे आज या कल में। और ये आ गया भाई हम राष्ट्रपति भवन के सबसे पास में, जो सबसे आगे वाली लाइन है, इससे आगे जाना अलाउड नहीं है किसी को भी। और यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी वगैरह का फुल इंतजाम है। और ये इन्होंने फूलों से ही चद्दर सी बना रखी है, ये प्रॉपर फूल है। और ये देखो यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह चल रही है किसी इवेंट के लिए। और तो यहाँ से अब धीरे धीरे करके अब आगे की ओर चलते हैं। बाकी भाई व्यू मतलब ख़तरनाक,
मजा आ गया देख के। देखो यार पेड़ों को ही देख लो, मतलब एक भी पत्ता इधर उधर नहीं है, प्रॉपर शेप में कटे हुए हैं। और भाई हम अपना व्यू एंजॉय करते हुए, खतरनाक मजा आ गया। देखो यार क्या सही लग रहा है, मजा आ गया। और ये भाई आखिरी झलक राष्ट्रपति भवन की, और यहाँ से निकलते हुए अब अगले सेक्शन में चलेंगे। अब देखते हैं अगला सेक्शन क्या है। तो ये है भाई अगला सेक्शन कैक्टस का। तो भाई यहाँ पे कम से कम भी 50 तरह के कैक्टस कैक्टस रखे हुए थे, कोई छोटा बड़ा गोल, कोई टेढ़ा मेढ़ा कैक्टस। देखो यहाँ पे बहुत तरह के कैक्टस रखे हुए हैं, तो इसके लिए भी एक अलग सेक्शन बनाया गया है। तो ये आ गया भाई अपना एक नया सेक्शन, जो सबसे फेमस फूल भी बोलते हैं जिसको, रोज़ गार्डन, जो सबका फेवरेट होता है। अप्रॉक्सीमेटली रोज़ सबको ही पसंद होता है। तो ये देखो लाइट पिंक कलर का रोज़, और आगे वाइट कलर के रोज़ हैं। देखो राइट साइड में हल्के से डार्क कलर के, डार्क पिंक कलर के रोज़ हैं, और साथ में ही जो वॉकिंग एरिया है वो उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हो गया है इन्होंने। देखो ये रेड रोज़ है, देखो यहाँ पर भी क्या सही सही फूल लगा के रखे हैं इन्होंने। मतलब यार ऐसे ऐसे, और बिल्कुल फ्रेश फूल, और खुशबू ऐसी ख़तरनाक आ रही है ना, मतलब खुशबू सूंघ के ही मज़ा आ रहा है। और ये देखो भाई फिर से ये चलने वाला एरिया, जो हमारा वॉकिंग एरिया, भीड़ कितनी है उसके बाद भी मतलब पूरा ऐसे महक रहा था, ख़तरनाक खुशबू आ रही थी यहाँ पे। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करीब करीब जहाँ तक मैं आइडिया लगा 20 से 25 तरह के गुलाब हैं यहाँ पे, बहुत कलर्स के। कोई हल्का सा लाइट है, कोई डार्क लाइट है, कोई डार्क पिंक है, ऐसे बहुत सारे कलर्स के गुलाब हैं यहाँ पे। देखो ये डार्क रेड लग रहा है, हाँ डार्क रेड है ये। ये सामने कुछ ख़तरनाक सा लग रहा है। हाँ यार सच में फाउंटेन लगा हुआ है बड़ा सा। और ये देखो यार क्या सही व्यू आ रहा है, बीच में बड़ा सा फाउंटेन और साइड में बहुत अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ फूल के, मतलब यार ख़तरनाक व्यू आ रहा है। और ये जो फाउंटेन है बहुत बड़ा है, इसकी हल्की हल्की फुहार यहाँ तक मेरे पास तक आ रही है, तो मज़ा आ रहा है। ठंड इंडिया वाला चल रही है। ओह ये देखो भाई इस गोल चक्कर पूरा हम चल के क्रॉस करेंगे, तो क्या सही व्यू आ रहा है। जो भाई जो लोग फूलों के शौकीन हैं तो एक बार ज़रूर आओ भाई इस गार्डन में, बहुत सही गार्डन है। मतलब वो अपनी फैमिली को या बच्चों को लेके आओ तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ पूरे हो जाएंगे। देखो मतलब इतनी तरह के फूल थे, मैं काउंटिंग करता करता थक गया था कि भाई कितने फूल हैं। तो भाई ये अपना मुगल गार्डन कंप्लीट हुआ यहाँ पे, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो कुछ भूख लगी है लोगों को, और हमें भी थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, हल्की फुल्की प्यास भी लग गई है। तो यहाँ पे कैफेटेरिया या फूड कोर्ट भी बोल सकते हैं, फूड कोर्ट टाइप में बनाया हुआ है, तो खाने का सामान यहाँ सब मिलेगा। ये रेट लिस्ट है भाई क्या क्या सामान मिलेगा यहाँ पे। और साथ में एक शॉप टाइप में लगाई हुई थी कि भाई किसी को अपने घर के लिए डेकोरेटिव आइटम्स या एंटीक पीसीज अगर कुछ ख़रीदना है तो यहाँ छोटे मोटे आइटम के लिए शॉप्स लगाई हुई है लोगों ने, तो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हो। और ये भाई खाने की शॉप है, देखो भाई कितनी दुकानें लगा रखी है, छोले भटूरे, छोले कुलचे, समोसे, ब्रेड पकौड़े, जो भी छोटा मोटा आइटम है सब मैक्सिमम सब सामान मिलता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो हमने भी भाई एक पानी की बोतल और एक एनर्जी ड्रिंक ली है, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाली गेट्रोइड पता नहीं क्या है, लेकिन अच्छी ड्रिंक थी ये। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ, मुगल गार्डन से एग्ज़िट ले लिया हमने। तो भाई ये देखो एग्ज़िट पे भी इन्होंने फुल डेकोरेशन कर रखी है, कि एग्ज़िट को सुनना नहीं छोड़ रखा, तो फुल हरा भरा गार्डनिंग वगैरह प्रॉपर एग्ज़िट गेट पे भी चल रही है। ये देखो दोस्तों भाई फूलों से घड़ी बना रखी है, क्या सही लग रही है यार। इन फूलों को देखते देखते आंखें मतलब खुश खुश हो गई हैं भाई, कि मज़ा आ गया। और ये देखो पत्थरों से रंगोली टाइप में बना रखी है, छोटे छोटे पत्थर हैं उनको कलरिंग करके रंगोली भी सी बनाई है। तो भाई अब लास्ट था, एंड था ये। तो यहाँ पे भी इन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर कौन कौन से पक्षी है वो इसका बोर्ड है,
तो यहाँ पे इन्होंने तरह से बर्ड सेंचुरी टाइप में पेड़ लगा रखे हैं, वहाँ पे मिलेंगे अंदर आप जाओगे तो। तो अभी यहाँ से लेते हैं एग्ज़िट। तो भाई एग्ज़िट ले ही रहे थे हम यहाँ पे कि अपने को भाई एक नई चीज़ देखी जो कि है राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम। उसके लिए QR कोड लगा हुआ था यहाँ पे, तो हमने उसको स्कैन किया और टिकट ली यहाँ से। शायद अप्रोक्सीमेटली 40 रुपये के आसपास की टिकट थी। तो भाई जैसे ही हम राष्ट्रपति भवन के लिए एंट्री लेने लगे यहाँ से, तो 50 मीटर चले ही थे तो हमें देखो क्या दिखा है, एयरफोर्स का लेजेंडरी प्लेन जो कि फेमस प्लेन है MiG-21। ये 73 के युद्ध में काम आया था। तो भाई देखो, और ये देखो अपना INS विक्रांत जो कि फेमस है भाई नेवी में, जिसके ऊपर कम से कम भी 10 फाइटर जेट प्लेन्स और हेलीकॉप्टर वगैरह उतर सकते हैं। तो ये देखो भाई यहाँ पे इन्होंने शो के पीस में कितने बड़े उसमें लगा रखा है, 10 शायद मैंने कम बता दिए, 20+ प्लेन्स आराम से खड़े होंगे इसके ऊपर। देखो भाई सब फोटो शूट करा रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों बराबर में हैं। तो भाई जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, हिंदी में संग्रहालय बोल दो, इंग्लिश में म्यूज़ियम बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ से हमने एंट्री ली अपने म्यूज़ियम के लिए। तो भाई म्यूज़ियम भी फुल चेकिंग वेकिंग की अपनी, और जैसे ही अंदर जाने लगे तो भाई बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, साफ़ सफाई बिल्कुल, और बहुत सही चीज़ें थी। और जैसे ही अंदर दिखे अपने को ख़तरनाक सी चीज़ दिखी, ये देखो भाई साहब ये घोड़े इतने शिद्दत से बनाए गए थे कि असली लग रहे थे सच में, और पीछे वो बुल कार टाइप में भी लगा रखी थी वो भी सही लग रही थी। और ये गाड़ी देखो, ये तो ये असली गाड़ी है, ये गाड़ी क्या लग रही थी, मर्सिडीज़। इसका बोनट ही इतना लंबा है, शायद मेरी गाड़ी इतनी है जितना इसका बोनट है। ओ भाई साहब ये मेरे को लग रहा है कम से कम भी 70-80 साल पुरानी गाड़ी है, और अभी लग्जरी कंडीशन में 500 SCL। और ये भाई इन्होंने राष्ट्रपति भवन का एक छोटा सा डमी टाइप में बना रखा है कि असलियत में राष्ट्रपति भवन इतना बड़ा है, ऐसे डिवाइडेड है और रियल में ऐसे दिखता है, एक छोटी सी डमी बोल सकते हैं राष्ट्रपति भवन की। तो भाई बहुत सही लग रहा था, इन्होंने फुल क्लास में रखा था। और ये देखो भाई बुल कार्स खड़े, शायद अंग्रेजों के ज़माने के हैं, तब के रखे हैं। और ये भाई वेलफेयर स्टेट अशोका सम्राट जो था उस टाइप के जो हमारे राज्य थे वो, उनके बारे में डिटेल में बताया गया। ये बुक है, ये हम माउस से इस पेजेस को नेक्स्ट कर रहे हैं और पढ़ते जाओ। और देखो ये माउस रखा है। और ये देखो भाई ये डांडी मार्च जो किया था गांधी जी ने, उसके लिए देखो गांधी जी सबसे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वल्लभ भाई पटेल और बाकी जो भी हमारे पीछे पीछे नेता थे या लोग थे वो पीछे पीछे चल रहे थे। डांडी मार्च के लिए स्टैचू बनाया गया। भाई मेरे को सबसे सही वाला एरिया लगा, ये दिखाता हूँ आपको। देखो हमारा पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम के लोगों को दिखाया गया यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसको दिखाया गया यहाँ पे। तो ये देखो स्टैचू ऐसे लग रहे हैं जैसे असलियत में बैठे हैं लोग, देखो यार क्या सही लग रहे हैं। और ये जो म्यूज़ियम है 3 फ्लोर में डिवाइडेड है, हम अभी वैसे देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर पे, तो बेसमेंट में बने हुए 2 फ्लोर है नीचे। तो देखो तो अभी आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, ये डांडी मार्च फेमस आंदोलन था तो उसको 2-3 जगह दिखाया गया। देखो डांडी मार्च, और ये नेहरू जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार देश का तिरंगा झंडा लहराते हुए। और ये है भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, तो लोगों ने विरोध किया था। और ये देखो भाई जलियांवाला बाग जो जनरल डायर ने हत्याकांड करवाया था उसको भी देखो कितने अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया। तो भाई इसके आगे ये देखो भाई स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें भाई अंग्रेजों के जो बनाए हुए कपड़े थे उनको लोग अपने घर से निकाल कर आ रहे थे और जला रहे थे। तो देखो ये आग बना रखी है, ये स्वदेशी मूवमेंट है। और भाई
ये नेक्स्ट जो वो है भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का हिस्सा हुआ था तो उसके बारे में बताया गया। तो ये हमारे भारत का संविधान, सबसे उच्च बुक जो इंडिया में मानी जाती है, भारत का संविधान। और ये डिटेल में यहाँ पे जो अनुच्छेद है ये यहाँ पे लगाए गए हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो अच्छी डिटेल में पढ़ सकता है। और ये भाई अपना देश आज़ाद होने के बाद जो पहली मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, तो उसका जो बनाया गया वो कौन कौन था उस मीटिंग में, तो भाई हम इस पहले फ्लोर का जो ग्राउंड था कंप्लीट कर लिया। और ये गाड़ी आ गई फिर से भाई, इस गाड़ी पे दिल आ गया, ऐसा लग रहा है इसको बस खिड़की तोड़ के चलाने घुस जाओ, बहुत तगड़ी गाड़ी लग रही थी यार। तो अब हम चले -1 पे, तो यहाँ पे जैसे ही हम घुसे तो हमें अपने जो आइडल हैं APJ अब्दुल कलाम, उनके कुछ बिलोंगिंग्स रखे हुए थे। सबसे पहले उनके सूट्स थे और उनकी बुक्स थी जो APJ अब्दुल कलाम पढ़ते थे। और ये इनको भाई हिंदी में शायद बोलते हैं वीणा या गिटार, गिटार तो अलग चीज़ आती है, ये वीणा होती है। और भाई ये जो एंटीक पीसेज होते हैं, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं राष्ट्रपतियों की, या फिर जो गिफ्टेड होते हैं, जो इंडिया को एज ए कंट्री गिफ्ट मिलते हैं, तो वो यहाँ पे एज ए शो पीस रखे हुए थे और बहुत सही सही लग रहे थे। और मैक्सिमम इनमें वो है जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जो भी हमारे प्रेजिडेंट्स आए हैं। और ये जो प्रेसिडेंट का स्टडी रूम है राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो उसको शो किया गया यहाँ पे। देखो क्या सही लग रहा है, अगर 4 लोग बैठेंगे तो फुल लग्जरी वाली फीलिंग आएगी। और स्पेशल जो टेबल लास्ट में प्रेसिडेंट के लिए जो रखी गई है भाई, बहुत सही लग रही थी ये व्यू जो आ रहा था ना, मज़ेदार मज़ा आ गया। और ये प्रणब मुखर्जी जी को ये गिफ्ट मिला था। और ऐसे ही ये बताया, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये जो जितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे, उनको जो गिफ्ट्स मिले हैं कहीं से भी मिले हों, तो उनके ये गिफ्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं शो पीस में, ताकि ये आगे तक अपनी यादों में सजा के रखे जाए। प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन जो थे, उनका पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह, जो भी छोटा मोटा सामान था, कैमरा, छोटा बड़ा सामान, जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो यहाँ पे शो की पीस में रखी गई हैं उनकी यादों के तौर पे। क्योंकि भाई जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट मैन ऑफ कंट्री वो भी बोला जाता है, तो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब ये लोग, तो इनकी यादों के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखो सबकी फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं। आज तक जितनी प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति रह चुके हैं उन सब की फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। तो भाई इस वाले से हम आए सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे जो कि था -2। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये मैक्सिमम सामान यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम का है। तो देखो भाई ये यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं, ये मैक्सिमम अंग्रेज़ों की है फ़ोटो, तो ये वाला सेक्शन मेरे को जहाँ तक लग रहा है अंग्रेज़ों का ही है। तो ये यहाँ पे 3D थिएटर लग रहा है, तो कभी कभी इंडिया के बारे में हिस्ट्री वगैरह कुछ बताते होंगे तो यहाँ पे बच्चों को या जिस जिसको भी शो दिखाना होगा उसके यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये देखो भाई सब, मैं जैसे कि आपको बताया कि अंग्रेज़ों के बारे में ज़्यादा इस सेक्शन में या इस फ्लोर पे बताया गया। तो देखो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सब जितने भी अंग्रेज़ थे उन सब की, जितने भी 200 साल में जितने भी अंग्रेज़ों ने इंडिया पे राज किया, इनके जनरल होते थे, जो इस तरह आर्मी का जनरल होता है वैसे ही इनके जनरल होते थे, उनके जनरलों की सबकी फ़ोटो लगी हुई है। और उसके बाद जो रानियां होती थी, जिस तरह क्वीन एलिजाबेथ या जैसे भी होते थे, उन सबकी फ़ोटो भी लगी हुई है। मतलब इंडिया पे जिन जिन राज किया उन सब की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो ये देखो भाई एक का नाम दिखा देते हैं आपको, किंग एडवर्ड, इनके तो नाम भी नहीं बोले जा रहे यार। तो भाई जिन ये क्वीन एलिजाबेथ है 1 है, उसके बाद क्वीन जो क्वीन थी जितनी भी उन सब के शुरू हो गए, जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी, इन दोनों के पुत्र लगाए गए बड़े बड़े।
और ये भाई अपने इंडिया का नेशनल एम्बलम शेर, इसको कहीं से भी देखो तीन ही दिखेंगे, वैसे ही है चार शेर वाला, पीछे भी चार सिर होता है इसका। और ये देखो अंग्रेजों के सैनिक घोड़ों के साथ, ये वैसे तो इंडियन ही है लेकिन अंग्रेजी सेना में भर्ती थी तो अंग्रेजों के ही सैनिक हो गए। तो जैसा कि बताया ये वाला सेक्शन अंग्रेजों के बारे में था, तो अच्छा बनाया गया ये भी। और एक एक चीज़ अपनी मिली यहाँ पे, जय श्री कृष्ण जी का रथ, बस इसको देख के दिल खुश हो गया, मतलब अंग्रेजों के बीच में भी ये रखा हुआ था, मज़ा आ गया देख के। तो भाई इस वाले म्यूज़ियम से निकले बाहर, हम थक गए थे यार चल चल के, तीन फ्लोर घूमे हैं। तो जैसे ही बाहर निकले पता चला सेम ऐसा ही म्यूज़ियम है, इसके सामने ही कोर है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं अब। तो इसके अंदर गए जैसे ही हम, तो यहाँ पे पार्क बना हुआ था, गार्डन टाइप में है, तो यहाँ पे व्यू मतलब हर चीज़ मेंटेन्ड है। जैसे ही अंदर आए तो फिर वही, स्टार्टिंग में तो अंग्रेज़ों के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि भाई ये घोड़े वोड़े कैसे रखते थे, देखो भाई। और उसके बाद जो सेक्शन शुरू हुए, जो अपने इंडिया को गिफ्ट मिले हैं, चाहे वो गिफ्ट कहीं से भी मिला हो, किसी कंट्री ने दिया हो, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, या किसी भी मिनिस्टर ने, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले गिफ्ट्स होते हैं ना, वो गिफ्ट मिले हैं, वो गिफ्ट यहाँ पे सजाए गए हैं। ये जितने भी हैं ये सब गिफ्ट हैं, ये ट्रॉफीज़ हैं जो इंडिया को मिली हैं, तो उन सबको यहाँ पे एक अलग से पूरा रूम है वहाँ पे, देखो ये दिख रहा है आपको, सेक्शन बनाए गए हैं। तो देखो ये सारी ट्रॉफीज़ हैं, ये फॉर एग्जांपल किसी कभी यूके ने दे दी, कभी अमेरिका ने दे दी, कभी नेपाल ने दे दी, तो हर देश के जितने भी किसी न किसी देश से जो भी गिफ्ट मिले हुए, ट्रॉफीज़ मिले हुए हैं, वो सब यहाँ पे रखे गए हैं। देखो तो ये भाई, सही बताऊँ तो बहुत सारे हैं, इतने तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा प्रॉपर आपको, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो दिखाऊँ। ये ऐसे ऐसे कम से कम भी 25 से 30 कमरे हैं, तो मैं तो आपको 5-7 ही दिखा पाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोशिश करूँगा। बाकी भाई एक बार यहाँ पे आके ज़रूर देखो, बहुत सही सही चीज़ें हैं, आपको नॉलेज भी गेन होगी और मज़ा भी आएगा ये ऐसी चीज़ें देख के। और ये कॉरिडोर देखो यार, कॉरिडोर ही क्या सही, वेल मेंटेन्ड है और साफ़ सुथरा, मतलब तो चलने में भी मज़ा आएगा ऐसा कॉरिडोर में। देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या साफ़ सुथरा कॉरिडोर है, ऐसा घर का कॉरिडोर हो मज़ा आ जाए। तो भाई चल पड़े फिर से आगे, सेम चीज़ें जो गिफ्ट मिली है या किसी ने, जो कहीं से भी गिफ्ट आई है वो यहाँ पे संभाल के रखी गई है। तो ये देखो ये पियानो भी अपने को गिफ्ट मिला है भाई। तो अच्छा लग रहा है, किसी कंट्री ने गिफ्ट किया होगा। और ये अपने सेक्शन जो आ गया, ये अपने दिल्ली के बारे में, जो अमृत उद्यान पे घूम के आए हम, ये गांधी जी के बारे में है। और ये देखो दिल्ली में लाल किला, राष्ट्रपति भवन, रिपब्लिक डे परेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की दिखाई गई है, दिल्ली के बारे में मैक्सिमम चीज़ें ये। ये देखो जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं हमारे, उन सब की फ़ोटो। और ये अपने देश के कुछ दिग्गज नेता, और ये स्क्रीन से चल रहा है, देखो इसके बारे में डिटेल में दिया गया। और ये सब, सॉरी वो बताना भूल गया, प्रेसिडेंट है सारे, उन सब के स्टैचू लगे हुए हैं। और ये इधर अपने रामनाथ कोविंद जी, और ये यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया कि भाई अंग्रेज़ों के साथ कैसे कैसे डील हुई थी, अंग्रेज़ों के कमरे कैसे कमरों में रहते थे। और ये देखो गांधी जी और एरविन पैच, पैक्ट सॉरी 1931 में हुआ था, जो थोड़ा सा अपने देश के बारे में बताया गया है, कब आज़ाद हुए थे, कैसे क्या क्या हुआ था। ये देखो पार्टीशन होने से पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कैसे कहाँ कहाँ से डिवाइड डिवीज़न होगा, क्या क्या मिले, कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा और कितना बजट रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कशन हुई थी। और ये भाई किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी,
जो कि आप पहले स्टैचू भी बने हुए थे बड़े बड़े नीचे जो -2 में, वो सेम यहाँ पे उनका जो सिंहासन कैसे लगाते थे और साइड में जो इंडियन सोल्जर्स हैं, लेकिन ये यूके की आर्मी में थे। और सेम यहाँ पे दिल्ली का मैप आ गया फिर से, कुतुब मीनार, और ये दिल्ली के बारे में है सारी, दिल्ली में कौन कौन से किले हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, उस डिटेल में बताया गया है यहाँ पे। चलो फिर चलते हैं भाई, अब ये आ गए हैं बाहर राष्ट्रपति भवन से। भाई सुबह से चलते चलते बिल्कुल थक गया हूँ, ज़्यादा नहीं तो 35-40 हज़ार स्टेप तो आराम से निकल गए होंगे। 5 या 6 घंटे हुए कंटिन्यूस चले जा रहे हैं, थक गए सच में यार। बाकी चलो आपसे अब गाड़ी में मिलते हैं। तो ये भाई प्रणब मुखर्जी लाइब्रेरी, और तो भाई यहाँ पे देखो यार गार्डनिंग क्या सही कर रखी है, घास के ऊपर फूलों से कुछ लिखा हुआ है। चलो इतना बड़ा लिखा हुआ पढ़ा तो जाएगा नहीं, चलते हैं फिर हम बाहर। तो भाई बाहर जैसे ही निकले यहाँ पे भीड़ इतनी खतरनाक हो रखी थी, और मार्केट लगी क्योंकि सब लोगों को खाना खाना है अंदर, इतना घूमने के बाद भूख तो सबको लग जाती है। तो भाई खाने का भी टेस्टी जैसी सामान था यहाँ पे, देख के ही मज़ा आ गया था। वैसे बाहर का खाता नहीं मैं, तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया। दोस्तों भाई फाइनली पहुंच गए हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई सच में यार थक गया मैं थक गया, बाकी थोड़े से कंधे हाथ से दर्द कर रहे हैं और पैरों में थोड़ा सा, क्योंकि भाई 4 या 5 घंटे के अप्रोक्स मान के चलो कंटिन्यूस चल रहे हैं, अंदाजा 35-30 तो चले ही चले हैं, 30,000 स्टेप्स तो चले ही चले हैं। तो भाई आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ मैं। ओवरव्यू ऐसा है, सबसे पहले जो है ना मुगल गार्डन भी बोलते हैं उसको और अमृत उद्यान एक ही बात है, तो वहाँ एंट्री ली हमने। तो भाई बहुत बहुत व्यू जो था ना किलर लुक था बिल्कुल भाई, एक से एक फूल और व्यू मतलब बोलते ना खतरनाक। और साथ में सिर्फ व्यू व्यू नहीं था भाई, जैसे ही अंदर एंट्री ली हमने खुशबू फूलों की, ओ हो जैसे परफ्यूम छिड़क रखा है किसी ने और दूर तक ऐसे फैला हुआ है, खतरनाक खुशबू आ रही थी। ये सिर्फ साल में जो होता है ना 15 दिन के लिए खुलता है फरवरी के एंडिंग में, और ऐसा शायद मे भी सिक्योरिटी पर्पज के लिए, राष्ट्र भवन के साथ राष्ट्रपति भवन के साथ कनेक्टेड है नहीं तो शायद इसलिए भी। और बाकी ये जो फूल है ना ये रेयर स्पीसीज हैं, ये बहुत कम जगह में देखने को मिलते हैं और ये शायद साल में आते ही इसी टाइम है। बाकी वापस आते टाइम वहां से हमें राष्ट्रपति भवन जो म्यूजियम है उसका वो QR कोड स्कैनर दिख गया, तो आते आते हम चलो आ ही गए हैं तो उसको भी घूम लेते हैं। तो वहां पे एंट्री की तो INS विक्रांत और MG जो प्लेन खड़ा था वहां पे MIG, भाई साहब खतरनाक मतलब तगड़ा व्यू था। और उसको अंदर करने के बाद तो भाई साहब जैसे ही हमने एंट्री ली म्यूजियम के अंदर, भाई ऐसी ऐसी चीजें मतलब देख के ऐसा लग रहा था भाई यहाँ आने का वसूल हो गया बिल्कुल पूरा। तो भाई सच में मजा आया भाई, मैं तो कहूँगा एक बार लाइफ में जरूर आओ यहाँ पे, अपने बच्चों को लाओ फैमिली को लाओ, और जिसको हिस्ट्री की नॉलेज चाहिए अच्छी खासी तो वो भी जरूर आओ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, नॉलेज भी गेन हो रही है अच्छी अच्छी। कुछ भाई अपने ऐसे होते हैं जिनको भाई थोड़ा घूमना फिरना पसंद नहीं होता, वो चाहते हैं कि भाई वीडियो में देख ले फोटो देख के नॉलेज गेन हो जाए, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई है। अपना फुर्सत से देखो भाई, बहुत अच्छी वीडियो है आपके लिए, मजा आ जाएगा वीडियो पूरी देख के और नॉलेज भी गेन होगी आपको। तो भाई मिलते हैं फिर आपसे नए कंटेंट के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई सारे भैया ना राम राम। और एक चीज और भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं, सारे भैया ना राम राम।